प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल का कार्यक्रम और आज हम चर्चा करेंगे 7 अगस्त 2024 की। आज का दिन आपका कैसा रहेगा, मेष राशि से मीन राशि पर्यंत हर राशि पर हम चर्चा करेंगे। आज आपके राशि के अनुसार आपका शुभ रंग, आपके लिए लकी कलर कौन सा रहेगा, आज आपको अपनी राशि के अनुसार कौन सा दिव्य प्रयोग उपाय करना चाहिए जो आपको पूरे दिन भर पॉजिटिव एनर्जी देने का कार्य करेगा। आज आपको कौन सी दिशा में यात्रा करने से बचना होगा, आज शुभ अशुभ मुहूर्तों की स्थिति क्या रहेगी, इन सभी बातों की चर्चा इस कार्यक्रम के अंतर्गत करेंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के शुभ पंचांग के साथ। प्रिय दर्शकों, 7 अगस्त 2024 दिन बुधवार, श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के साथ भुवन भास्कर सूर्यदेव उदय होंगे। तृतीया तिथि रात्रि 10:06 तक, उसके उपरांत चतुर्थी तिथि होगी। आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा 8:31 रात्रि तक, उसके उपरांत होगा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। सभी शुभ अशुभ मुहूर्तों की स्थिति देखें तो आज राहु काल का अशुभ समय 12:26 से लेकर के दोपहर 2:06 का रहेगा। आज गुलिक काल का समय 10:46 से लेकर के 12:25 मध्याह्न काल का रहेगा। आज अभिजीत का शुभ मुहूर्त 12:00 से लेकर के 12:54 का रहेगा। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि 12:26 के पश्चात राहु कालीन अभिजीत मुहूर्त होगा, उससे पहले ही अभिजीत मुहूर्त की शुद्धता को ग्रहण करें, राहु कालीन अभिजीत मुहूर्त को ग्रहण न करें। राहु काल में किसी भी नए व खास काम को शुरू नहीं करना है, प्रारंभ नहीं करना है। गुलिक काल में दैनिक दिनचर्या से संबंधित कार्य किए जाते हैं और अभिजीत मुहूर्त के दौरान धर्म कर्म पूजा पाठ दान पुण्य के कार्य सर्वश्रेष्ठ माने गए। प्रिय दर्शकों, आज के दिशाशूल की चर्चा करें तो आज उत्तर दिशा का दिशाशूल रहेगा, आज के दिन उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से आपको बचना होगा। यदि विशेष आवश्यक स्थिति में उत्तर दिशा की ओर जाना पड़े, घर से धनिया की पत्तियों का सेवन करके कुछ कदम सबसे पहले नैऋत्य कोण की तरफ जाएं, उसके उपरांत यदि आप उत्तर दिशा की ओर यात्रा करें निश्चित ही आपकी यात्रा सुखद होगी। और अब चर्चा करते हैं आज के दैनिक राशि फल की। सिलसिला शुरू करेंगे भचक्र की पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा, परिणाम आपके लिए शुभ रहेगा। कार्य क्षेत्र नौकरी क्षेत्र में अच्छी स्थिति आपके लिए बनी हुई है। आज के दिन एजुकेशन से संबंधित लाभ भी होंगे, लेकिन इनकम को लेकर के आज के दिन सतर्क सावधान रहना होगा। इनकम के मामले में आज आपको अधिक खर्च देखने को मिल सकते हैं या आपकी कोई पेमेंट आज के दिन फंस सकती है। ऋण लेने से आज के दिन आपको बचना होगा। कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको थोड़ा ध्यान पूर्वक करिएगा, कोई फ्रॉड आपके साथ ना हो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा पाइन ग्रीन। आज अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम गंग गणपते महामंत्र का जप करें, इस मंत्र के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, निश्चित ही आपके सभी कार्य शुभ होंगे। वृषभ राशि के जातकों को भी आज अच्छा दिन देखने को मिलेगा। पारिवारिक सहयोग, कार्य क्षेत्र में अच्छी वृद्धि तरक्की आपकी होने वाली है। आज नौकरी का क्षेत्र विशेष प्रभावशाली रहेगा, दिन आपके पक्ष में होगा, कार्य क्षेत्र को आप अपनी गति के अनुसार मोड़ सकते हैं। व्यवसाय की स्थिति भी उत्तम है, आज पेरेंट्स की बात को अनसुना न करें। आज के दिन भूमि वन प्रॉपर्टी से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। आज प्रेम संबंधों की स्थिति में भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी बाधाएं आपको देखने को मिल सकती हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए जामुनी। आज प्रातःकाल ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करें, निश्चित ही आपके सभी कार्य शुभ होंगे। मिथुन राशि के जातकों को आज अच्छा दिन देखने को मिलेगा। आज पराक्रम में वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस लेवल गजब का रहेगा। आज तार्किक शक्ति भी आपकी उत्तम रहेगी, तर्क वितर्क करने में कुशल वार्ताकार साबित होंगे। ऐसी स्थिति में जो विशेषकर मिथुन राशि के कवि हैं, लेखक हैं, आप एंकरिंग करते हैं, आज आपका दिन विशेष रहेगा। कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति रहेगी, प्रमोशन और पदोन्नति के योग आज के दिन आपके लिए बने हुए हैं, धन की स्थिति भी आपकी मजबूत होगी। आज के दिन आपको जल्दबाजी करने से बचना होगा और व्यर्थ में समय गंवाने से जरूर बचिएगा। शुभ रंग रहेगा ग्रास ग्रीन। आज के दिन छोटी छोटी कन्याओं का
पूजन करना व माँ भगवती का पूजन करना आपको विशेष लाभ पहुंचाने का कार्य करेगा। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों को आज का दिन बेहतरीन देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी, मजबूत आर्थिक स्थिति के साथ दिन की शुरुआत करेंगे। कार्य क्षेत्र में भी अच्छी स्थिति होगी। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, पेट से संबंधित छोटी मोटी दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। आज के दिन पारिवारिक जनों का सहयोग रहेगा और पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होगा। आज कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति है, ड्राइव करते हैं उससे भी थोड़ा सावधानी पूर्वक करिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीमी। आज अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए जरूरतमंद लोगों को भोजन का दान करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों को आज अच्छा दिन देखने को मिलेगा। आज आप कार्य क्षेत्र में स्थिरता से कार्य करेंगे, कार्य क्षेत्र में व्यस्तता आपको देखने को मिलेगी। पारिवारिक सहयोग और धन की स्थिति भी आपके लिए मजबूत बनती हुई नजर आ रही है। आज के दिन आपको गुस्सैल स्वभाव से जरूर बचना होगा, अपनी वाणी को संयमित रखिएगा, वाद विवाद करने से जरूर आपको बचना चाहिए। आज कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति है, आपको भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आज चोट आदि का भय आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है, तो जो जातक स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है, जोखिम भरा कार्य करते हैं, उनको थोड़ा सावधानी जरूर बरतनी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज। आज अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम आदित्याय नमः मंत्र का जप करते हुए भुवन भास्कर सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें, संभव हो तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, निश्चित ही आपका कल्याण होगा। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों को आज मानसिक रूप से दिक्कतें देखने को मिलेंगी। मानसिक रूप से आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में स्ट्रेस तनाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। आज के दिन आपको व्यर्थ का भागदौड़ अधिक देखने को मिलेगा, खूब भागदौड़ करेंगे, परिश्रम अधिक होगा, लेकिन आज भाग्य के सहयोग में कमी देखने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र नौकरी व्यवसाय में भी बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा संयमता से कार्य करें तो निश्चित ही लाभ होगा। आज के दिन व्यर्थ का इन्वेस्ट करने से आपको बचना होगा, शॉर्टकट तरीकों से जुड़े हुए हैं कार्य क्षेत्र में, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ग्रीन। आज अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, शिवलिंग पर गंगा जल यदि आप चढ़ाते हैं तो निश्चित ही आपके सभी कार्य शुभ होंगे। तुला राशि, तुला राशि के जातकों को आज अच्छा दिन देखने को मिलेगा। इनकम की स्थिति में बढ़ोतरी होगी, कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। आज नौकरी के क्षेत्र में विशेष प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, लेकिन आज के दिन अचानक से धन खर्च के योग भी आपके लिए बने हुए हैं, तो खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक स्थिति से थोड़ा बहुत परेशान आप जरूर हो सकते हैं। आज किसी भी नए कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व अपने से जो बड़े लोग हैं या जिनको आप अपना गुरु मानते हैं उनसे सलाह जरूर लीजिएगा, डिस्कशन के बाद ही कोई डिसीजन लीजिए, अचानक से किया गया कार्य विफल हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट। आज अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए गौ माता की सेवा करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में आज दिक्कतें देखने को मिल सकती है। नौकरी के क्षेत्र में झगड़ों की स्थिति, वाद विवाद की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, कार्य में किसी भी प्रकार का टालमटोल करते हैं तो यहां आपको सतर्क सावधान जरूर रहना होगा। हालांकि पारिवारिक सुखों में वृद्धि जरूर होगी, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से थोड़ा सतर्क सावधान रहिएगा, स्वास्थ्य को लेकर के भी आज थोड़ा सावधानी जरूर बरतिएगा। आज के दिन कार्य क्षेत्र में बदलाव करना आपके लिए बहुत उत्तम नहीं है, बदलाव करने से बचिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच। आज अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को यदि आर्थिक रूप से आप सहायता करें तो निश्चित ही आपको लाभ। धनुराशि, धनुराशि के जातकों को आज अच्छा दिन देखने को मिलेगा। भाग्य का सहयोग रहेगा, कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति है। बिजनेस में आज कोई बड़ा बदलाव कर सकते हैं, व्यवसाय के दृष्टिकोण से उत्तम स्थिति है। नौकरी में भी आज आपको अच्छा दिन देखने को मिलेगा, बशर्ते आज के दिन आपको अपनी वाणी पर संयम जरूर रखना है। आज के दिन आपको टालमटोल करने से भी बचना होगा,
भाग्य का पूर्ण सहयोग रहेगा। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, विशेष लाभ की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। आज जीवन साथी के सहयोग में भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आज के दिन किसी धार्मिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं या किसी धार्मिक कार्य में आप भाग ले सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन। आज अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए केसर का तिलक अपने माथे पर धारण करें, निश्चित ही आपके सभी कार्य शुभ होंगे। मकर राशि के जातकों को आज स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क सावधान रहना होगा। आज कफ जनित रोग, खांसी जुकाम, वायरल फीवर आपको परेशान कर सकता है, मेंटली डिस्टर्ब रह सकते हैं। आज के दिन किसी से भी वाद विवाद करने से जरूर आपको बचना होगा। पैतृक संपत्ति में आज नुकसान की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। आज धन के मामले में भी आप कमजोर साबित हो सकते हैं। व्यर्थ का खर्च करना, व्यर्थ की यात्राओं को करने से आज के दिन आपको बचना होगा। अनावश्यक चीजों पर खर्च न करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू। आज अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए कुछ समय आपको ध्यान मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को आज अच्छा दिन देखने को मिलेगा। आज विशेषकर मैरिड लाइफ में दिन आपके पक्ष में होगा। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आज कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण में विशेषकर आज कार्य क्षेत्र की स्थिति, उसमें भी विशेष बिजनेस को लेकर के अच्छी स्थिति रह सकती है। आज किसी नए प्रोजेक्ट पर आप कार्य करेंगे या कोई बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है। मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक रूप से भी स्थिति आपके पक्ष में होगी। कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। आज के दिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो थोड़ा सावधानी पूर्वक कार्य जरूर करिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल। आज अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए गंग गणपति इन महामंत्र का जप करते हुए भगवान गणपति को दुर्वा अर्पण करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और अब चर्चा बचक्र के अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा? मीन राशि के जातक हो, प्रिय दर्शकों, मीन राशि के जातकों को आज सतर्क सावधान रहना होगा। कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यवसाय में आज नुकसान देखने को मिल सकता है, हानि हो सकती है। आज काम का प्रेशर व दबाव आप महसूस करेंगे। आज के दिन नौकरी के क्षेत्र में विशेष संघर्षमय स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। आज आपको आलस करने से जरूर बचना होगा, आलस आपके ऊपर हावी हो सकता है। इनकम की स्थिति भी बहुत उत्तम नहीं है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। इनकम की स्थिति में भी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, फाइनेंशियली आपको दिक्कतें रहेंगी। कर्ज लेने से, लोन लेने से या कर्ज देने से, दोनों स्थितियों में आपको बचना होगा। कोई फ्रॉड आपके साथ हो सकता है और किसी भी प्रकार का पैसा आपका फंस सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे। आज अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करते हुए मां लक्ष्मी का पूजन करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और अब आज का विशेष कार्यक्रम, प्रिय दर्शकों, आज हरियाली तीज, जिसको हम सिंघारा तीज भी कहते हैं, आज हरियाली तृतीया है। आज के दिन सुहागिन स्त्रियां मां भगवती और भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हुए अपने मायके जाते हैं, अपने हाथों को सुंदर मेहंदी रचाते हैं और झूला झूलते हुए सावन माह के मंगल गीतों का गान करते हैं। तो सिंघारा तीज का व्रत आज ही किया जाएगा। आज भगवान भोलेनाथ का पूजन आप जरूर करिएगा। कैसे आपको जानकारी लगी हमें उसे बताएं, जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा। और ज्योतिष से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8826810020। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।